तो चले तू कहाँ जा रहा है? आपने खुद ही तो कहा फहद जिला खाना का, मेरा तो आपने नाम ही नहीं लिया झूले लाल। झले भाई, ये कैसे मुमकिन हो सकता है मैं और फहद आपके बगैर खाना खा लें? एक मिनट है, लेडीज फर्स्ट, झूले लाल छपू छपू करके खाएंगे, भले मजे आएंगे, नानी का आ जावांगा, मोटा होके आवांगा, करके खाऊंगा झूले लाल, छह लोटे छाले, राजे राजे खान दे, बिल्लियां चूहे तक दे, झूले लाल। ये क्या पकाएं, क्या पकाएं? ये आज अम्मा ने हलीम बनाई है। हाय नहीं, कोफ्ते नहीं देने, कोफ्ते दूसरी जगह बना दे, बड़े कीमे के छोटे छोटे करके डाल लेने दे, झूले लाल। और ठहरा तू पहले, भाई मुखाई भाई मुखा, बड़ी नीलो की कितनी किस्मत अच्छी है, बड़े चाची की बहू बनेगी है, चाची होगी बड़ा मजा आएगा, पापा पापा पा चने बनिया मानू खाने, बड़े मजा आएंगे, पपे खाएंगे पपे। बस चले, अल्लाह इसके नसीब भी अच्छे करे। तुझे पता है अल्लाह बंदे को सिर्फ एक ही मौका देता है, सही वक्त पे अगर सही फैसला कर ले ना तो उसके नसीब अच्छे हो जाते हैं, और अगर गलत फैसला कर ले तो तबाही है। जैसे मेरे हाथों रोटी की तबाही हो रही है। ओहो अम्मा, खाना तो खाने दो, क्या तुम नसीब की बातें लेकर बैठ गई हो? बजी बिल्लू, तुम खाना ठीक कह रही है, आपने नगारा रिश्ते से इनकार किया ना, अच्छा नहीं किया आपने। अच्छा झले भाई, अब आप भी अम्मा की तरफदारी करने लगे हैं। नहीं बजी बिल्लू, शुरूर बड़ा अच्छा लगा है, शादी से भी ज्यादा हमदर्द है झूले लालू। अच्छा फिर तुम मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे ये मौका दोबारा दे दे। वैसे एक बात बताऊं, मैंने दाता साहब ना एक मन्नत मांगी हुई है झूले लाल। क्या मन्नत मानी है चले? अल्लाह कह दे बड़ी बिल्लू की शादी ना शिदोर साहब से हो जाए। शादी मुझे शादी पे बुलाओगी? हाँ मायू मायू होएगा, तेरी मेहंदी लगेगी, इसे तेरे हाथों पे मेहंदी लगेगी। हाँ, बस तेरे हाथों में मैं तजाब लगाऊंगा। नूरी बबू खाला, आप कब आई? मैं अभी आई हूँ बेटा, इतना सोचा मत कर। नहीं बबू खाला, मैं तो बस दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी। अल्लाह तेरी गोद जरूर भरेगा, लेकिन यकीन की डोरी हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए। ये घर वाले सब कहाँ हैं? बेबी नीलो के साथ मार्केट गई है, गुड्डा और सेला गाड़ी में बैठ के पता नहीं कहाँ गए हैं। और तेरी सास? वो कभी बताकर थोड़ी जाती हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं। चल ठीक है, तू 5 बजे तैयार रहना, वो मौलवी साहब है ना? वो अपने मौलवी साहब? हाँ हाँ, मैं तुझे उनके पास लेके चलूंगी, शायद उनके वसीले से तेरी गोद हरी हो जाए। अच्छा बबू खाला। हाँ बेटा। ठीक है। खाला जी, आपने एक नोट ज्यादा दे दिया है। अम्मी के पास लगता है पैसे ज्यादा आ गए, इन्हें संभालने नहीं आ रहे। बेशुक्र है अल्लाह की जात का, करम है उसका। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि अभी तो तुम दोनों आई हो, और ये कहाँ की तैयारी है? अम्मी, दुबई से एक क्लाइंट आ रहा है, उसके लिए हमें बहुत सारे इंतजाम करने हैं, यहाँ तक कि उसके रहने का भी। और आपको पता है होटल में कोई कमरा भी नहीं मिल रहा, लगता है उसके रहने का इंतजाम भी किसी गेस्ट हाउस में कराना पड़ेगा। भाई वो तो सब ठीक है, तो खाना तैयार है, मैं खाना लगा देती हूँ, खा के जाना। नहीं अम्मी, हम यूं गए और यूं आए, हम वापस आकर खाना खाएंगे, देर हो रही है। चलें बेबी। चलो अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह। आखिर वो गई कहाँ? और अगर कहीं गई भी है तो मुझसे पूछ के क्यों नहीं गई? खीर को मैं उसकी सास हूं ना। अच्छा 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 अच्छा,
ये उसकी सास है। हाँ जी, मैं उसकी सास हूँ। सिर्फ हुक्म चलाउण वाली सास। ओए पढ़िए लोके, ओए तूने कभी उसके सिर पे हाथ रख के माँ बन के प्यार मोहब्बत के दो लफ्ज बोले उससे? वेख बशीर पहलवान, मेरे घर का निजाम खराब ना कर। ओए सकीना बीबी, मैंने ऐद कर लिया है कि मैं तेरा ये जालमाना निजाम खत्म करके छोड़ूंगा। माँ बन, जालम सस ना बन। वेख पहलवान, पंजी वरे से देख देख के अब तो मेरी ये अखियां जो है ना, ये भी दुखड़ी आ गई हैं। हाय हाय, तो किसी और को वेख ले फिर, अखां दुखड़ियां शुरू हो गई हैं मुझको देख देख के। ओए वक्त गुजर गया पर ये लोके, वरना मैं किसी से पूछ पाछ ही लेता। वैसे तेरी नीयत पे तो मुझे पहली रात से शक था, तो एक ना एक दिन मुझे बीच मंझदार के छड़ के चली जाएगी। ना शक था, किस बात का शक था तुझे? एक बात याद रख बशीर पहलवान, मरते दम तक मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाँ खुदा का वास्ता बंद करो लड़ाई। और दूसरा जहां जाना है मुझे पूछ के गई है। और वो इसकी बीवी है नूरी। हाँ और सुन, अब अगर एक लफ्ज तेरे मुंह से निकला ना, तो मैं अपना आईनी हक और इख्तियारात इस्तेमाल करने शुरू कर दूंगा। आखिर को मैं तेरा खौंद हूँ। तू मेरा खौंद है तो मैं तेरी जोजा हूँ, जोजा, समझे बशीर पहलवान? रोजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या बात?